Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 9th August 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about National Mission on Edible Oils and Oil Palm. This topic is important from a Cerebral GS Paper 3, Indian Economy Point of View, also important for a Cerebral GS Paper 5, Assam Economy. सो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं देखिए इंडिया जिस भी तरह के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हम इम्पोर्ट करते हैं एडिबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स उसमें से सबसे ज्यादा वैल्यू वाइज जिस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को हम इम्पोर्ट करते हैं वो है एडिबल ऑयल जो खाना बनाने वाला जो तेल होता है खाने पीने वाला जो ऑयल होता है वो हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं तो लार्जेस्ट एडिबल प्रोडक्ट्स में जो इम्पोर्ट है हमारा उसमें सबसे ऊपर है एडिबल ऑयल इससे रिलेटेड सवाल भी आया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में तो लगभग इंडिया टू मीट इट्स करंट आउट ऑफ दिस 25 मिलियन टन्स 10.5 मिलियन टन्स आर प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली तो आप समझ लीजिए कि बाकी रिमेनिंग फोर्टीन मिलियन टन्स हम लोग इंपोर्ट करके मीट करते हैं अलग अलग तरह के एडिबल हम लोग इंपोर्ट करते हैं जैसे कि रेप सीड, नट, उयल, पाम तो अगर बात की जाए तो या उससे भी ज़्यादा जो है इंडिया की एडिबल ऑयल रिक्वायरमेंट इज मेड थ्रू इम्पोर्ट एंड ऑलरेडीकल्चरलिटीड बाई इंडिया प्रोपोर्सन कहाँ कहाँ से हम मेजर इम्पोर्ट करते हैं वो भी जरा देखिए मलेशिया और इंडोनेशिया से हम लोग पाम ऑयल इम्पोर्ट करते हैं यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल तो ये याद रखिएगा पीटी पर्सपेक्टिव से क्योंकि रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है उस कारण से सनफ्लावर ऑयल की हमारे देश में थोड़ी कमी हो रही है क्योंकि यूक्रेन सप्लाई कर नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ द ऑन गोइंग वॉर विथ रसिया तो सनफ्लावर ऑयल इज इम्पोर्टेड फ्रॉम यूक्रेन एंड ब्राजील और अर्जेंटीना से हम लोग सोयाबीन ऑयल मेनली इंपोर्ट करते हैं अब इंडिया का एक्सेसिव डिपेंडेंस है इंपोर्ट के ऊपर फॉर मीटिंग आवर एडिबल ऑयल रिक्वायरमेंट तो इसका मतलब यह है कि हमारा बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व भी खर्च होता होगा एडिबल ऑयल के इंपोर्ट को मीट करने के लिए तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2021 में अनाउंस किया एक मिशन नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल पाम इस मिशन के अंतर्गत बजटरी एलोकेशन किया गया है इलेवन थाउजेंड करोड़ का और जैसा कि नाम से ही आपको समझ आ रहा है इस मिशन का मेन गोल है इंडिया को एडिबल ऑयल में आत्मनिर्भर बनाना सेल्फ डिपेंडेंट बनाना तो ये जो मिशन है इसमें ओवरऑल एडिबल ऑयल प्रोडक्शन पे फोकस किया जाएगा बट स्पेशल फोकस होगा पाम ऑयल में क्योंकि पाम ऑयल जो है हमारे ओवरऑल इंपोर्ट जो एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स होते हैं उसमें भी सबसे ज्यादा पाम ऑयल होता है 55 शेयर बिलोंग्स टू पाम ऑयल तो जितना भी एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं उसमें से 55 फाइव परसेंट इस पाम ऑयल ओनली तो ये जो मिशन है ओवरऑल एडिबल ऑयल जैसे कि सोया या फिर आप सनफ्लावर कोकोनट ये सारे ऑयल प्रोडक्शन पर फोकस करेगा बट स्पेशल इम्फेसिस बी ऑन पाम ऑयल प्रोडक्शन और सबसे अच्छी बात यह है आसाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक ये इसलिए है क्योंकि ये जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड पाम ऑयल है इसमें मेन फोकस रहेगा पाम ऑयल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड अंडमान निकोबार रीजन क्योंकि वही ये रीजन है जहां पे पाम ऑयल को कंड्यूसिव तरीके से उगाया जा सकता है तो द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड द सॉयल नेचर इज कंड्यूसिव फॉर ग्रोइंग पाम ऑयल एज पर

जिस तरीके से आज हम लोग एडिबल ऑयल बहुत सारा इम्पोर्ट करते हैं इसी तरीके से हम लोग पल्सेज भी बहुत ज्यादा इम्पोर्ट करते थे बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंडिया ने डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ पल्सिस को बढ़ाया बाई पुटिंग स्पेशल फोकस ऑन इट सिमिलरली वी कैन रेप्लीकेट द पल्स स्टोरी फॉर एडिबल ऑयल करेंटली वी आर हेविली रिलाइंग ऑन इम्पोर्ट मीट आवर एडिबल ऑयल रिक्वायरमेंट बट विथ टाइम वी कैन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट एंड रेप्लीकेट दक्सेस स्टोरी ऑफ पल्सेज तो अब इसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज है आसाम सरकार ने इस नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल पाम के अंतर्गत ऑयल मेगा प्लांटेशन ड्राइव शुरू किया है ये जो ऑयल पाम मेगा प्लांटेशन ड्राइव शुरू किया गया है इट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम सदिया सब डिविजन ऑफ तीनसुकिया सुखिया डिस्ट्रिक्ट प्लेस कॉल्ड धोला नियर डॉक्टर भूपेन हजारी का वहां पे सदिया सब डिविजन के तीन डिस्ट्रिक्ट में ये पाम ऑयल मेगा प्लांटेशन ड्राइव शुरू किया गया है और आसाम के अंदर ये जो पाम ऑयल प्लांटेशन है दैट विल बी टेकन गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद पतंजलि फूड्स तो आप देख सकते हैं कि पतंजलि फूड के हेड बाबा रामदेव और हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्व शर्मा साहब मिल करके ये पाम ऑयल मेगा प्लांटेशन ड्राइव को लॉन्च कर रहे हैं

तो एपीएससी पीटी में पूछ सकता है इस टॉपिक के विशेष क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज दिस क्वेश्चन एंड कैन सब इन द कॉमेंट सेक्शन इज अब क्लाइमेट फ्रेंडली काउस दिस टॉपिक इज इंपोर्टें जी एस पेपर 3 इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो इस आर्टिकल को थोड़ा अच्छे से समझते हैं उसके लिए पहले हमें समझना होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल अलग अलग तरह के ग्रीन हाउस गैसेस का कितना पैसिटी है ग्लोबल वार्मिंग करने का विथ रिस्पेक्ट टू सीओ उसको रिफ्लेक्ट करता है मैं फिर से बता दूं अलग अलग जो ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि मिथेन ऑक्साइड उनकी कैपेसिटी ग्लोबल वार्मिंग करने की कितनी गुना ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू सीओ वो रिफ्लेक्ट करता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल तो मिथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है 25 इसका मतलब यह है कि अगर सिमिलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हम मिथेन को एटमोसफेयर में रखते हैं और उतने ही अमाउंट ऑफ टाइम के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को हम एटमोसफियर में रखते हैं तो मिथेन के कारण ग्लोबल वार्मिंग 25 गुना ज्यादा होगी एज कंपेयर टू तो कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ट्वेंटी फॉर मिथेन इट मेजर्स टोटल एनर्जी पर्टिकुलर पीयड से हंड्रेड इत सौ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाएगा सिमिलरली नाइट्रस ऑक्साइड तीन सौ गुना कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में तीन सौ गुना ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करीनेटेड गैसेस में एबजॉर्ब एबाउट थाउजेंड टू टेन थाउजेंड टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड फिर आपके मन में अब सवाल उठना शुरू हो जाएगा कि सर अगर कार्बन डाइऑक्साइड से इतना कम हीट एब्जॉर्ब होता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के हम इतना कंसर्न क्यों है फिर हमारा मेन फोकस होना चाहिए फ्लोरिनेटेड गैसेस के इमिशन को रोकने पे पर ऑक्साइड के को रोकने पे या के को रोकने पे बट द फैक्ट इज कि भले इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा है लेकिन इनकी क्वांटिटी ओवरऑल एटमोस्फेयर में काफी कम है इसी फ्लोरिनेटेड आर हार्डली टू परसेंट वायल ऑक्साइड सिक्स परसेंट मिथेन हार्डली सिक्सटीन ओवरऑल एटमोस्फेयर uh, तो इस कारण से भले ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा है तब भी वो उतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते बिकॉज ओवरऑल वाइज देयर एवेलेबिलिटी इज लेस एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है एटमोस्फेयरिक लाइफ टाइम कि एक ग्रीन हाउस गैस जैसे तमाम ग्रीन हाउस गैसेज हैं लेकिन इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस एटमोसफेयर में लंबे समय तक रह सकता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का आप देखिए एटमोस्फेयरिक लाइफ लाइफ टाइम है अबाउट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। यानी कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की ओवरऑल प्रोपोर्शन में अवेलेबिलिटी ज्यादा है प्लस वो एटमोसफेयर में लंबे समय तक रह सकता है थाउजेंड्स ऑफ ईयर एक बार अगर इमिशन हो गया तो काफी लंबे समय तक वो एटमोसफेयर में रहेगा एटमोसफेरिक कंसेंट्रेशन इज सेवेंटी सिक्स परसेंट एंड एटमोस्फेरिक लाइफ स्टाइल लाइफ टाइम इज मेक्स कार्बन डाइऑक्साइडरस ग्रीन हाउस गैस वही मिथेन की बात की जाए तो इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ट्वेंटी फाइव टाइम्स है सीओ टू की तुलना में बट कंसेंट्रेशन कम है हार्डली सिक्सटीन परसेंट और उससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि उसका एटमोस्फेरिक लाइफ टाइम कम है तो अगर आपने आज मिथेन रिलीज किया है तो दस सालों में वो ओवरऑल सेटल हो जाएगा या एब्जॉर्ब हो जाएगा अगेन बाय द एटमोस्फेयर दैट इज वाई मिथेन इज नॉट सच अग कंसर्न रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग एज इज कार्बन डाइऑक्साइड और फ्लोरिनेटेड गैसेस का एटमॉस्फ़ेरिक लाइफ टाइम भी काफी ज्यादा है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी काफी ज्यादा है फ्लोरिनेटेड गैसेस का लेकिन उनका एटमोस्फेरिक कंसेंट्रेशन ही काफी कम है तो इस कारण से दे आर नॉट ए मेजर कंसर्न सीओ टू इज मेजर कंसर्न क्योंकि कंसनट्रेशन ज्यादा एंड लाइफ टाइम ज्यादा अब मिथेन पे आते हैं देखिए मिथेन तो हमने देख ही लिया सी एच फोर ग्रीन हाउस गैस तो है ही मिथेन के कई सारे सोर्सेस हैं ग्रीन इमिशन uh, के हमारे एटमॉस्फेयर में लेकिन उसमें से एक मेजर सोर्स है इमिशन का एग्रीकल्चर सेक्टर मिथेन एक ग्रीन हाउस गैस है अलग अलग सोर्सेस से इमिट होता है इंडस्ट्रीज से इमिट होता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर से इमिट होता है लेकिन वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इमिशन ऑफ मिथेन इज एग्रीकल्चर सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर में किन किन सोर्सेस से इमिट होता है वो भी जरा देखिए कैटल्स काफी ज्यादा मिथेन रिलीज करते हैं देखिए कैटल्स में होता क्या है कि कैटल्स जब भी अपने खाने को चबाते हैं और डाइजेस्ट करते हैं तो उनके स्टमक के अंदर अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया हैं फंगस हैं प्रोटोजोआ हैं और वो उनके स्टमक के अंदर फिर उनके खाने को जिसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट है उसको ब्रेक करता है तो ये बैक्टीरिया या फंगस जब इनके खाने को ब्रेक करते हैं इसको कहते हैं हम लोग रूमेन प्रोसेस या डाइजेशन प्रोसेस ऑफ कैटल्स तो उस प्रोसेस में काफी सारा मिथेन रिलीज होता है उनके स्टमक में जो फिर उनके बेल्चिंग uh, के प्रोसेस के थ्रू उनके मुंह से बाहर निकलता है या प्रोसेस के थ्रू उनके बैक साइड से बाहर निकलता है तो दैट इज हाउ कैटल्स इमिट अ लॉट ऑफ मिथेन बिकॉज ऑफ एंटेरिक फर्मेंटेशन प्रोसेस दैट देयर स्टमक डूरिंग द डाइजेशन ऑफ देयर फूड उसके अलावा एग्रीकल्चरल भी काफी ज्यादा उनसे मिथेन रिलीज होता है कैसे देखिये खासकर राइस कल्टिवेशन है देखिये राइस कल्टिवेशन आपने जरूर देखा होगा गाँव में वहां पर होता क्या है कि वाटर लॉगिंग कराई जाती है सोइंग टाइम में वाटर लॉगिंग में होता क्या है कि बीनीथ द वॉटर पानी के नीचे वाले सरफस पे आ, कई सारे बैक्टीरियाज होते हैं ये बैक्टीरिया जो है एन एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन दैट प्रोसेस दे रिलीज अ लॉट ऑफ मीथेन तो बैक्टीरिया अंडर द वाटर प्रोड्यूसेस मीथेन इन एन एरोबिक कंडीशंस एन एरोबिक कंडीशंस मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कंडीशंस में दीस बैक्टीरिया रिलीज अ लॉट ऑफ मीथेन सो दिस इज द रीजन व्हाई जो राइस फील्ड होता है जहां पे वाटर लॉगिंग होती है दैट इज वन बिग रीजन बिहाइंड रिलीज ऑफ मिथेन गैस तो इसी कारण से ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बिकम वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ मिथेन गैस तो मिथेन के अलग अलग सोर्सेस को अगर आप देखें उसमें से 25 परसेंट मिथेन रिलीज का सोर्स है एंटेरिक फर्मेंटेशन द स्टमक ऑफ कैटल्स तो जितना भी मिथेन रिलीज होता है उसका 25 प्रतिशत कैटल्स से आता है और अगर देखा जाए ओवरऑल जितने भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन होते हैं उसमें से लाइव स्टॉक अकाउंट फॉर अबाउट 14.5 ऑफ द ग्रीन हाउस गैस अकेला ग्रीन हाउस गैस तो है नहीं तो मिथेन के अलावा बाकी सारे ग्रीन हाउस अलावास को भी ले लिया जाए तो ओवरऑल फोर्टीन ऑफ द वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम्स फ्रॉम कैटल ये इमेज मैंने लिया है आज के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज से सो वी कैन कंक्लूड की वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन आर लाइव देमसेल्फ पर इसी से रिलेटेड एक करंट न्यूज़ है देखिए कनाडा के अंदर वहां के एक फार्मर हैं जिनका नाम है बेन लुवित वो तो ये नाम रटने की जरूरत नहीं है इन्होंने एक स्पेशल जेनेटिक मेथड का इस्तेमाल किया है इन ऑर्डर टू डेवलप अ न्यू काइंड ऑफ कैटल ब्रीड्स जो इंटेरिक फर्मेंटेशन के थ्रू मिथेन गैस काफी कम रिलीज करेंगे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिथेन गैस रिलीज नहीं होगा इंटेरिक फर्मेंटेशन के थ्रू बट इन्होंने नए तरीके के जेनेटिक मेथड्स का इस्तेमाल किया है फॉर ब्रीडिंग ऑफ इस कैटल जिससे जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उनमें मिथेन गैस रिलीज करने की टेंडेंसी थ्रू इंटेरिक फर्मेंटेशन प्रोसेस काफी कम होगी वेन लोविथ का जो ये मेथड है उसको डेवलप किया है एक जेनेटिक बेस्ड इंजीनियरिंग कंपनी ने जिसका नाम है सेमेक्स उन्होंने एक स्पेशल तरीके का सेमेन सीमेन डेवलप किया है जिनको बेन लोविथ ने इस्तेमाल किया और इससे होने वाले जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं दे विल बी प्रोड्यूस्ड इन कमिंग मंथ तो अभी तक ऐसा कोई कैटल प्रोड्यूस हुआ नहीं है ऐसे कैटल प्रोड्यूस होने वाले हैं बिकॉज ऑफ द जेनेटिक्स डेवलप्ड बाय दिस कंपनी सेमेक्स और ये दुनिया की पहली ऐसे काउ बनेगी बोर्न इन कैनेडा देखना होगा जो इंटेरिक फर्मेंटेशन के थ्रू मिथेन कम रिलीज करे तो मिथेनिमिशन फ्रॉम कैटल्स इसमें आपको ध्यान रखना है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मोर पॉवरफुल एज कम्पेयर टू सीओ टू सोर्सेस ऑफ मिथेनिमिशन में लगभग पच्चीस प्रतिशत जो है कॉन्ट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम इंटेरिक फर्मेंटेशन ड्यू टू बर्फिंग ऑफ द काटल रिसेंटली सेमेक्स एक जेनेटिक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है

फॉर इम्पोर्ट ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अगर किसी भी कंपनी को लैपटॉप कंप्यूटर या इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इम्पोर्ट करके अब बेचना है तो उसको पहले से भारत सरकार से एक लाइसेंस लेना होगा तो लाइसेंस रिस्ट्रिक्शन लगने का मतलब है कि अब इंपोर्ट करना इतना आसान नहीं होगा इंपोर्ट करना आसान नहीं होगा तो इसका क्या मतलब है कि अब लैपटॉप और कंप्यूटर्स के दाम बढ़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्केट में सप्लाई थोड़ा कम हो जाएगा ऐसा क्यों किया है भारत सरकार ने क्यों इंपोर्ट पे लाइसेंस लगाया है क्योंकि देखिए भारत सरकार इंपोर्ट घटाना चाहती है लैपटॉप्स का कंप्यूटर्स का ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़े हमारे देश के अंदर उनका प्रोडक्शन बढ़े अगर आप ओवरऑल लैपटॉप कंप्यूटर्स का इंपोर्ट देखें इंडिया के अंदर तो लगातार पिछले कुछ सालों से बढ़ रहा है और उसमें भी आप देखो देखो आ, पैंडेमिक वाले साल में जहां पे लॉकडाउन लगे थे वहां पे तो काफी ज्यादा इंपोर्ट हुआ था फिर 2022-23 में थोड़ा कम हुआ है बट अगर आप देखो तो उन, इन जनरल इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप्स कंप्यूटर्स आर इंक्रीजिंग फॉर इंडिया यानी कि इतना फॉरेक्स रिजर्व हमारा खर्च हो रहा है और जितना भी हम इंपोर्ट करते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर्स विदेशों से उसमें लगभग सेवेंटी फाइव परसेंट इंपोर्ट इज कमिंग फ्रॉम चाइना ये ग्रे कलर से जो हमने इम्पोर्ट दिखाया है वो है इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना तो हर साल लगभग जितना भी हम लैपटॉप कंप्यूटर इम्पोर्ट करते हैं सेवेंटी फाइव परसेंट तो चाइनीज है तो ये इंडिया को काफी ज्यादा वल्नरेबल बनाता है हमारी डोमेस्टिक सेक्टर डेवलप हो नहीं पा रही है और हम लोग मेजरली इम्पोर्ट कर रहे हैं अपने लैपटॉप कंप्यूटर के रिक्वायरमेंट को उसमें से भी सेवेंटी चाइना से आ रहा है अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर लाइसेंस रिक्वायरमेंट लगाने से अच्छा था कि सरकार इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती लैपटॉप और कंप्यूटर्स के इंपोर्ट पे लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी हम नहीं लगा सकते क्योंकि डब्ल्यू की एक अग्रीमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट वन आई टी ये नाइन का ही अग्रीमेंट है WTO का इस अग्रीमेंट के अंतर्गत लैपटॉप कंप्यूटर्स और सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे जीरो इंपोर्ट ड्यूटी रखना है तो अब इंपोर्ट ड्यूटी तो आप लगा नहीं सकते बिकॉज ऑफ दिस डब्ल्यू टी तो अब दूसरा तरीका हमने क्या हमारी सरकार ने लिया है टू डिस्करेज इंपोर्ट ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वो है लाइसेंसिंग का लाइसेंस रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है तो ये जो लाइसेंस रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया है हमारी सरकार ने उससे क्या क्या फायदे होंगे ऑफकोर्स डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा क्योंकि तो अब जब प्रोडक्ट बाहर से नहीं आएंगे तो कई सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो चाइना वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन तरह के प्रोडक्ट्स के लिए उनको अब अपना प्रोडक्ट इंडिया में बेचना है तो उनको इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना होगा और इंडिया में प्रोडक्शन करना होगा मे बी एप्पल सैमसंग लाइक कंपनीज में स्टार्ट मेकिंग इन्वेस्टमेंट मोर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर लैपटॉप एंड मोबाइल फोन्स इन इंडिया बिकॉज ऑफ दिस लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट ऑफकोर्स इट विल कर चाइनीज इंपोर्ट चाइना से हम लगभग सेवेंटी फाइव परसेंट इंपोर्ट करते हैं दूसरे नंबर पे है हॉगकॉन्ग लेकिन हांगकांग काफी पीछे एज कंपेयर टू चाइना इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी आप मान सकते हैं इंडिया की ताकि हमारा जो डोमेस्टिक सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर लैपटॉप वो स्ट्रेंथन हो जॉब क्रिएशन होगा लोकल जॉब क्रिएशन होगा नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना से हम कंप्यूटर इंपोर्ट कर रहे हैं अभी चाइना से चीजें इंपोर्ट करने में वो भी इस तरह की चीजें इंपोर्ट करने में हमेशा सा एक साइबर सिक्योरिटी का तो थ्रेट रहेगा ही कब वो हैक कर ले कब वो हमारे डेटा हमसे चुरा ले बिना हमें पता लगे ऑल सच प्रॉब्लम

पुराने लाइसेंस राज सिस्टम से मिलता जुलता है जो 1991 से पहले हमारे देश के अंदर था मैं स्टार्टिंग के तीन क्लासेस जो इकोनॉमी के पढ़ाता हूं उसमें मैं बताता हूँ आई होप आपको बात याद आ रही होगी सोशलिस्ट मॉडल एंड मार्केट मॉडल दोनों मॉडल के अपने फायदे और नुकसान मार्केट मॉडल का फायदा है एफिसियंसी कॉम्पिटिशन बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट एट लोएस्ट प्राइस जबकि सोशलिस्ट मॉडल के अपने फायदे हैं इट अवॉइड अननेसेसरी कॉम्पिटिशन इट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स इन बट सोशलिस्ट मॉडल का एक सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि प्रोटेक्शनिज्म के कारण डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं झेलना पड़ता दैट समटाइम्स लीड्स टू लैक ऑफ एफिशिएंसी और जो कस्टमर्स है उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है चीपर रेट पे तो ये जो अप्रोच है लाइसेंस लगाने का दैट इज सिमिलर टू द लाइसेंस राज सिस्टम पहले बिफोर एलपीजी रिफॉर्म्स और दैट वी हैव ऑलरेडी सीन किस तरह के अप्रोच से इकोनॉमिक एफिशियंसी खराब होती है एंड अल्टीमेटलीस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फॉर इंडिया वन जिसके बाद हमें एलपीजी रिफॉर्म्स लाना पड़ा था ऑन इंसिस्टेंस ऑफ आई एम एफ तो इस तरीके का कहीं अप्रोच तो नहीं ले रही सरकार क्या वापस लाइसेंस राज सिस्टम तो हम नहीं रिवाइव कर रहे और सभी देखना होगा कहीं इसके कारण इन एफिसियंसी तो नहीं बढ़ेगी क्योंकि तो ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट नहीं है जहां पे लाइसेंसिंग लगाया है पिछले छह सात सालों से आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे अप्रोचेस लिए हैं भारत सरकार ने कभी तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया है कुछ आइटम्स पे कभी किस चीजों पे लाइसेंस का कॉन्सेप्ट लगाया है तो ऐसे 2016 से ही ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं भारत सरकार ने जो लाइसेंस राज या प्रोटेक्शनिस्ट या सोशलिस्ट मॉडल से मिलता जुलता है दैट इंडिया यूज टू फॉलो इन द प्री नाइनटी वन रेजीम लाइसेंस रिक्वायरमेंट फॉर इम्पोर्ट ऑफ लैपटॉप इंडिया जीरो इंपोर्ट ड्यूटी ऑन लैपटॉप वाई इंडिया टू अपलाई इम्पोर्ट ड्यूटी और इसी कारण से ह्यूज इंपोर्ट सर जा रहा है विदेशों से क्योंकि हम इम्पोर्ट ड्यूटी लगा नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ आई टी ए वन अग्रीमेंट और उसमें भी सबसे ज्यादा सर जा रहा है चाइना से इसको अड्रेस करने के लिए और इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स नाव गवर्नमेंट हैज कम लाइसेंस आप इंपोर्ट ड्यूटी होंगे डोमेस्टिक मैनुफैक्चरिंग बूस्ट होगा सोशलिस्ट सिस्टम विच में लीड टू इंक्रीजिंग इन एफिसियंसी ने मून मिशन सोफार इज इंपोर्टेंट फॉर माइलेबस जी एस पेपर थ्री साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू देखिए इसमें मैं बहुत ज्यादा कुछ लिख करके नहीं पढ़ाऊंगा इंडियन एक्सप्रेस में यह अच्छा आर्टिकल आया था जिसमें कई सारे डेटा दिए गए हैं मून मिशन से रिलेटेड तो मून मिशन इस साल के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है रीजन बींग हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो ने लॉन्च किया है चंद्रयान थ्री तो मून से रिलेटेड मून मिशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनको हमें ध्यान रखना चाहिए इस साल तो जरा देखते हैं कई सारे दुनिया भर में कितने मिशन भेजे गए हैं उनसे रिलेटेड डेटा दिया गया है इस आर्टिकल में तो probes, decade decade, तो लूनर प्रोब्स डिकेड डिकेड मून पे कितने probes, भेजे हैं। मिशन भेजे गए सबसे ज्यादा प्रोब मिशन भेजे गए नाइनटीन में फिफ्टी और ये क्यों भेजे गए वो भी आप गैस कर सकते हैं दिस वॉज द टाइम ऑफ स्पेस रेस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर कोल्ड वॉर में तो सीधा सीधा कंफ्रंटेशन था नहीं यूएस US और यूएसएसआर ब्लॉक के बीच में इसीलिए उसको कोल्ड वॉर कहते हैं तो उस टाइम स्पेस रेस न्यूक्लियर रेस अलग अलग जगहों पे पावर प्रोजेक्शन चल रहा था तो इसी चक्कर में कई सारे मून मिशन भेजे गए यूएस और यूएसएसआर ब्लॉक द्वारा नाइनटीन में अब देखो आज भी लूनर प्रोप्स सबसे ज्यादा भेजने वाले देशों में यूएस और यूएसएसआर का ही नाम है अब यूएसएसआर तो रहा नहीं लेकिन नाइनटीन तक तो उसको यूएसएसआर ही कहते थे तो यूएस और यूएसएसआर हैव सेंट लार्जेस्ट नंबर ऑफ लूनर दैट 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 क्लियरली रिफ्लेक्ट्स कि वाज एरा ऑफ स्पेस रेस ड्यूरिंग कोल्ड वॉर अगर लूनर प्रोब्स की सक्सेस की बात देखी जाए सक्सेस परसेंटेज तो सक्सेसफुल परसेंटेज जो है वो समवेयर क्लोज टू सिक्स परसेंट के आसपास है कितने टाइप के मिशन भेजे गए तो फ्लाई बाई यानी कि मून से के पास से गुजर जाने वाले मिशन ऑर्बिटर जो मून के अराउंड ऑर्बिट करने वाले मिशन जो हमारा चंद्रयान वन था इम्पैक्टर जो मून के ऊपर लैंड करने वाला मून के ऊपर हिट करने वाला इम्पैक्टर लैंड करने वाला ट्वेंटी मून सर्फेस मूव करने वाले ऐसी चीजें जो मून से रिलेटेड पहली बार हुई है सो द फर्स्ट अटेम्प्टई टू मून वॉज पायोनियर जीरो प्रोबाइड मून डेटा वॉज लूना वन इनटीन फिफ्टी नाइन जो चीजें आपको याद रखनी है सब तो याद नहीं रख सकते याद रखिए इंडिया ने भेजा था चंद्रयान वन दैट वॉज इंडिया मून मिशन वाज एन ऑर्बिटर मिशन एंड चंद्रयान वन इन 2008 थाउजेंड प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन मून दैट वाज इंडिया फर्स्ट मून मिशन सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द फार साइड ऑफ मून बाई चाइना चैंगे फोर मिशन इन टू इंडिया ने टू में भेजा था चंद्रयान टू जो ऑर्बिटर भी था लैंडर भी था एंड रोवर भी था लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो लैंडर और रोवर है विक्रम और प्रज्ञान वो फेल हो गया इसको हमने कई दफा डिस्कस किया है एनालिसिस में तो चंद्रयान टू वॉज पार्शियली सक्सेसफुल उसका ऑर्बिटर सक्सेसफुल रहा लेकिन लैंडर एंड रोवर फेल हो गया क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई ऑन द मून सर्फेस जो हमारा लैंडर था वो हार्ड तरीके से लैंड किया जिस कारण से वो डिसफंक्शनल हो गया तो उसी आप कह सकते हैं पार्शियल फेलियर को मेकअप करने के लिए हमने इस लॉन्च किया है चंद्रयान थ्री जो चंद्रयान टू जैसा ही उसका भी गोल वही है कि मून के अराउंड एक ऑर्बिटर तो पहले से था ही चंद्रयान टू वाला इसमें एक लैंडर और रोवर होगा तो चंद्रयान थ्री लॉन्च किया गया फोर्टींथ जुलाई को विथ एल एम इसको भेजा गया चंद्रयान थ्री को इंटू द ऑर्बिट ऑगस्ट वन को द चंद्रयान थ्री स्पेस क्राफ्ट हेजबिन ड इंटू ट्रांस लूनर ऑर्बिट ट्रांस लूनर मतलब अर्थ और मून के बीच के ऑर्बिट में अब जा चुका है यहाँ पे कहीं पे ऑगस्ट फाइव चंद्रयान थ्री सक्सेसफुली इंसर्टेड इंटू लूनर ऑर्बिट तो मून के ऑर्बिट में ऑगस्ट फाइव में ये इंटर हो गया यहां पे अब ऑगस्ट सिक्स टू ऑगस्ट सेवन में ये तीन से चार बार मनूभर करेगा मून के अराउंड और उसके बाद आएगा सबसे क्रिटिकल डेट तेईस से चौबीस अगस्त वाला जहां पे हमारा लैंडर लैंड करेगा मून सरफेस पे जहां हम चंद्रयान टू में फेल हुए थे लैंडर इज एक्सपेक्टेड टू मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून साउथ पोल तो तेईस से चौबीस अगस्त वाला जो डेट होगा दैट विल बी द क्रिटिकल डेट अभी हमारा जो चंद्रयान थ्री है वो जब ट्रांस लूनर ऑर्बिट में था मून के पास पहुंच रहा था उस वक्त उसने एक इमेज निकाली थी कुछ इस तरीके की

अभी के लिए पीटी पर्सपेक्टिव से देख लीजिए देखिए नाइजर एक देश है वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है लैंडलॉक कंट्री है यहाँ पे मिलिट्री कू हुई 26 जुलाई को मिलिट्री कू मतलब वहां की आर्मी ने वहां के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट को रिप्लेस करके वहां के आर्मी जनरल अब्दुल रहमान रहमानी को हेड ऑफ द स्टेट बना दिया फोर्सफुली और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट को एडक्ट कर लिया होस्टेज बना लिया बंदी बना लिया तो मुद्दा यह है कि जिस तरह से म्यांमार में हो रहा है वैसे ही यहाँ पे भी मिलिट्री जनता रूल आ गया है मतलब मिलिट्री कू हो चुका है नाइजर भी अभी नाइजर जो है वो एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है और वेस्ट अफ्रीका के ये तमाम देश जो आपको इस यहाँ पे दिखाए गए हैं यहाँ पे पंद्रह ऐसे देश हैं वेस्ट अफ्रीका के जिन्होंने मिलकर के बनाया है एक इकोनॉमिक ग्रुप जिसका नाम है इको इकोवॉस का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कम्युनिटी फॉर वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स इकोवास जैसा कि मैंने कहा आपको इकोनॉमिक ग्रुप है और इसका गोल है कि यूरोजोन की तरह एक कॉमन करेंसी हो और पूरा का पूरा एक कॉमन मार्केट हो जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज आराम से एक दूसरे के देशों में बेचे जा सके इसी एम के साथ इकोवास बनाया गया है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम शुड हैव अ कॉमन करेंसी इकोवास अभी इकोवास प्राइमरीली तो एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है कि नाइजर में मिलिट्री को होने के बाद इस पूरे एरिया में सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ गए हैं सिक्योरिटी वालेबिलिटी बढ़ गई है तो इसी कारण से इकोवास के जो लीडर्स हैं इन पंद्रह देशों के जो लीडर्स हैं दे आर प्लानिंग टू हैव अ मिलिट्री इंटरवेंशन इन नाइजर टू स्टॉप दिस मिलिट्री कू फ्रॉम डी थ्रोनिंग और डूइंग अवे द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट तो यही है नाइजर में हुआ है मिलिट्री uh, हू जो एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है वेस्ट अफ्रीका की ग्रुप है इको जो एक इकोनॉमिक ग्रुप है कॉमन करेंसी लाना चाहती है वो अब मिलिट्री इंटरवेंशन शो का प्लान कर रही है नाइजर के अंदर नाइजर वेस्ट अफ्रीकन कंट्री लैंडलॉक एंड एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इस टॉपिक पे प्रैक्टिस क्वेश्चन क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज दिस एंड यू कैन सबमिट द द आंसर इन कमेंट सेक्शन मिशन इंद्र धनुष इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन And Havana syndrome is a neurological condition reported amongst US diplomats. Purchasing power parity related definition purchasing power power parity parity related exchange rate और जैसा कि मैंने आपको कहा था क्वेश्चन आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं तो मैंने कल ही आपको बताया था कि लीडर ऑफ एलिफेंट ग्रुप इज a फीमेल तो ये स्टेटमेंट तो सही है उसके अलावा कल मैंने आपको बताया था कि कर्नाटका हैज हाइएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन नॉट केरला तो चौथा स्टेटमेंट गलत है फोर गलत करते ही आपके पास ऑप्शन आ जाता है ए या सी और पहला सही है तो इस तरीके से आप अराइव कर पाएंगे टू द आंसर वन एंड टू ओनली इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें चारों के चारों स्टेटमेंट जानने की जरूरत नहीं है अगर एक दो स्टेटमेंट के बारे में भी हमें कंफर्म तरीके से पता है जैसे इस केस में हमें स्टेटमेंट वन पता था कि कन्फर्म सही और स्टेटमेंट फोर पता था कि कन्फर्म गलत है इसके बेसिस पे हमने आंसर निकाल लिया वेन वी वर नॉट सर्टेन अबाउट स्टेटमेंट टू एंड थ्री दट ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टूडे थैंक्स फॉर वॉचिंग